आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एकदम सटल सा मेकअप लुक। आप इसको डेली बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, देन प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और जो भी मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट यूज किए हैं वो सारे के सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां जाके लिंक चेक कर लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी ब्लू हेवन का प्राइमर, और इसे मैं अपने टी जोन पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। इससे जो है हमारे पोर जो है सारे मिनिमाइज हो जाएंगे और हमें एक स्मूथ बेस मिलेगा। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ मिलानी का कंसील परफेक्ट फाउंडेशन, और इसमें मेरा शेड है 02 नेचुरल। इसे मैं अपने बैक ऑफ हैंड पे ले रही हूँ 1.5 पंप, और इसको मैं अच्छे से वार्म अप कर रही हूँ और इसको इवनली अप्लाई करूँगी अपने फेस पे। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे पैक का 257 ब्रश, ये कबूकी ब्रश है, और इससे मैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन। बहुत अच्छा ब्रश है, आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और इससे मैं अपने पूरे फेस पे अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर लूँगी। सो गाइज, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और इसमें मेरा शेड है 03 लाइट मियोन। ये बिल्कुल मेरी स्किन से मैचिंग है और थोड़ा सा वार्म अंडरटोन में है, तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी अपने टी जोन पे और अपने डार्क सर्कल्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी थोड़ा थोड़ा लेके। और अब मैंने यहाँ पे लिया है पैक का 272 ब्रश, ये कंसीलर ब्रश है, और जहाँ पे हमने कंसीलर अप्लाई किया है इसको सिर्फ वहीं पे ब्लेंड करना है। जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पे मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी, और आपको कंसीलर को ड्रैग नहीं करना है, आपने जहाँ पे अप्लाई किया है आपको उसी जगह पे इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। सो गाइज, अब मैं अपने बेस को अच्छे से सेट कर लूँगी। उसके लिए मैं ले रही हूँ ये मेबलिन फिटमी का कॉम्पैक्ट, और इसमें मेरा शेड है आइवरी, और जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर को अप्लाई किया है मैं इसको वहीं वहीं पे अप्लाई कर लूँगी, सेट कर लूँगी बेस को। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये फिजिशियन फॉर्मुला का बटर ब्रॉन्जर, और इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे कॉन्टोरिंग कर लूँगी, अपनी जॉ लाइन, फोरहेड पे, और अपनी नोज पे, और अपनी चीक्स पे अच्छे से वार्मथ देने के लिए, एक डायमेंशन देने के लिए। जॉ लाइन को भी अच्छे से कंटूरिंग कर लूंगी एक शार्प लुक देने के लिए, और गाइज इसकी जो स्मेल है वो बहुत अच्छी है। अब मैंने यहाँ पे लिया है ये स्विस ब्यूटी का ब्लश पैलेट, और इसमें से मैं ये थोड़ा सा मॉप शीट लेके अपने बैक ऑफ हैंड पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपनी चीक्स पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी, थोड़ा सा नोज पे और थोड़ा सा चिन पे। सो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मास्टर क्रोम का बाय स्टूडियो हाईलाइटर पैलेट, और इसे मैं अपने टेम्पल्स पे अप्लाई कर लूंगी, और थोड़ा सा मैं अपनी नोज पे, चीक्स पे, और थोड़ा सा फोरहेड पे अच्छे से अप्लाई कर लूंगी। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड की ऑल टाइम प्रो पैलेट, और इसमें से मैं ये डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रोज को फिल इन कर लूंगी। सो गाइज, अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये आई शेडो पैलेट स्विस ब्यूटी की, और मैंने यहाँ पे जो ब्रश लिया है वो है प्रो आर्ट का PE29, और इसमें से मैंने ये डार्क पर्पल शेड लिया है, इसको मैं एज अ आई लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ एक स्मजिंग लुक देने के लिए। अपर लैशेस की क्लोज में इसको अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अब मैं ले रही हूँ ये पैक का 226 ब्रश, और थोड़ा सा अपना ब्रॉन्जर लेके मैं अपनी आईलिड पे एज अ कलर देने के लिए इसको अप्लाई कर रही हूँ, और जो भी हार्श लाइन है, जो भी एजेस है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब
मैंने लिया है ये फेसिस कैनेडा का काजल इन दी शेड ब्लैक, और मैं इसको अपर एंड लोअर वोट लाइन को अच्छे से टाइट लाइन कर लूँगी। अब मैं सेम पैलेट में से ये कोरल शेड ले रही हूँ और इसको जहाँ पे मैंने काजल अप्लाई करा है उससे थोड़ा सा नीचे इसको स्मच कर लूँगी अच्छे से। मैं अगेन हाईलाइटर लेके अपने इनर कॉर्नर और अपने ब्राउ बोन को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी एक लिफ्टिंग इफेक्ट देने के लिए। अब मैं ले रही हूँ ये नायका की लिपस्टिक और इसमें मेरा शेड है इट्स सो लाटे, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी। थोड़ा सा ब्राउन न्यूट शेड है और इसको टॉप अप करने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबलिन की लिपस्टिक, इसको मैं थोड़ा सा टॉप अप कर लूँगी। गाइस लास्टली मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये मेबलिन का कोलोसल मस्कारा और इसे मैं अपने अपर लैशेज़ और लोअर लैशेज़ को अच्छे से कोट कर लूँगी। आप चाहो तो लैशेज़ अप्लाई कर सकते हो, बट ये सिंपल मेकअप लुक था तो मैंने यहाँ पे अप्लाई नहीं किया है, आपके अपने प्रेफरेंस है जैसा आपको ठीक लगे। सो गाइस दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बाय गाइज, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।